बड़ा शानदार व्यू है। सोचो यार ब्रेकफास्ट आपका मॉर्निंग का ऐसा हो तो कैसा लगेगा आपको। मुझे एडवेंचरस प्लेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा नहीं कि जान चली जाए बट फन आता है यार, एक मतलब एक अलग फील आता है वो चीज़ तो समझो यार। अभी इसको करते हैं, चलो ठीक है इसे क्रॉस करते हैं। लाइन लग रही है सो देखो देखा ना अनंत भाई कितना एक्साइटेड होता था आने के लिए। फिलहाल तो ठंड लग रही है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। देखो ब्लू वाटर, सो फाइनली पूरा बस निकलने के बाद हम अपना अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। पता एक्चुअल में ये लोग को ज़्यादा ओवर एक्ट कर रहे थे, ज़्यादा मोशन में नहीं है, इससे ज़्यादा मोशन में कसौल का था। डर लग रहा है, इनसिक्योर भी है। पानी नीचे स्विमिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। और साइड का रोप पकड़ने के जो लोग प्रटेंड करते हैं ठीक है, सच बताऊँ इतना बैलेंसिंग बचपन में चलते टाइम पर सीखा था तब ज़्यादा अच्छा था। तो बहुत पहाड़ है यहाँ पे, टाइल्स वगैरह वैसी है, डेंजरस लग रही देखने में, ऐसा लग रहा मोशन में है। पता है पानी का फ्लो देखो तो ऐसा लगता पूरा मोशन में, अगर पानी की तरफ नहीं देखोगे तो ठीक है। मैं कंटिन्यू नीचे देखता हूँ तो लगता है ये भी साथ में मूव कर रहा है। सीरियसली एक्सट्रीम एडवेंचरस लग रहा है। वन टाइम की रोप अच्छी है भाई, मज़ा आ गया। पिन वैली सच में बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है यार, मतलब पूरी स्पीति राइड में मैं कह सकता हूँ ईमानदारी से ऑनेस्टली, अगर मुझे स्टे करने के लिए कोई बोले ना तो मुझे एक जगह पे स्टे करना चाहिए तो ये वैली बहुत ज़्यादा शानदार लगी है। मे बी इस ब्रिज की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को टाइम देंगे। दोनों का कॉम्पिटिशन चल रहा था 5-5 लाख रुपए का, जो कि हमारी औकात के परे है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, मेनली ग्रीनरी वगैरह देखना था और दूसरा हमें इस ब्रिज को करना था क्रॉस और इस ब्रिज के आसपास का एनवायरनमेंट देखना था, तो मेरे लिए वर्थ रहा यार। सो गाइस अगर आप लोग स्पीति आ रहे हो, अगर आपके प्लान में पिन वैली नहीं है तो उसको डेफिनेटली एड ऑन करो, क्योंकि जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए वर्थ होगा जाने के लिए। एक ट्रैवलर गाइड की तरह से बात करो, मैं ईमानदारी से कोई कमीशन वगैरह नहीं मिल रहा, सच में व्यू अच्छा है यहाँ के लोकल के। देखो कैसे करते हैं ब्रिज क्रॉस, एक्सपेक्टेशन ये होती है। रियलिटी बेसिकली ये होती है, डेंजरस है जैसे कि नीचे देखो गाइस। आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं मेरी स्पीति के सबसे ज्यादा गॉर्जियस प्लेस, मस्ट विजिट है गाइस। अगर स्पीति आ रहे हो तो यहाँ जरूर विजिट करो, पिन वैली को जरूर एड ऑन करना। अब यहाँ से निकल रहे हैं और अपने दम भर रहे हैं, बाइक में तो काफ़ी दम है। अरविंद भाई को बैठा के चढ़ा रहे हैं इस बार, देखो चढ़ा पाते हैं कि नहीं या गिरते हैं, क्योंकि यहाँ के पत्थर काफ़ी ज़्यादा राउंडेड है। अब यहाँ से चढ़ा रहे हैं, मैं स्लोली स्लोली इसको कर रहा हूँ, स्केट हो रही है देखो है, साइड हो ही फिर बाइक ज़्यादा कैजुअली निकाल रहा हूँ मैं बाइक। सो गाइस पिन वैली से हम लोग लौट रहे हैं, आगे का रास्ता ब्लॉक है, आगे जाना चाह रहे थे तो बोल रहे लेट ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा वर्क वगैरह चल रहा है, जो रास्ते में लोग अभी तक देखते हुए आ रहे थे ना उसके हिसाब से। और मैंने बाहर निकल के पूछा तो जहाँ यहाँ के लोकल से वो मना कर रहे हैं आगे जाने के लिए, कि वर्क वगैरह चल रहा है, क्लोजर वगैरह चल रहा है वहाँ पर। पिन वैली ज़्यादा एक ग्रीन वैली कहलाना ज़्यादा अच्छी रहेगी इसके लिए, बहुत सुंदर है यार ये जगह, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ट्रीज का कलर देखो कितना बढ़िया लग रहा है, इससे पहले इस टाइप की ट्री देखे अरविंद? लिपस्टिक का पेड़? पेड़ अच्छा, अलग ट्री है ये। नाउ आज से हम बोलेंगे एंट्रीज को अलग ट्री।
हाँ अलग ट्री, यहाँ से अलग ट्री बोलेंगे, अलग ट्री, उधर वाले, उधर वाले हले हरे हरे अलग ट्री। वाव, लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरा ऑजमो एक्शन फ्रीज हो गया था। और पता नहीं इतना कोल्ड वेदर भी था चंद्रताल में, तो उससे ज़्यादा था, तब तो नहीं होगा, चलो कभी कभी होता है। तो जब करके ऑन किया, बैटरी रूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फाइनली पिन बैटरी का रोड पूरा ख़त्म हुआ, बहुत तगड़ा ऑफ रूट था यार ये, मज़ा बहुत आया। जब ऑफ रूट का नंबर आता है हम अरविंद भाई पीछे हट जाते हैं, चालू था ना। गाइस ये रिवर 2-in-1 चल रहा है, एक तो ब्राउनिश है क्रीमिश टाइप का, एक ग्रीन है, दो टोन आ रहा है, अभी कैसे आ रहा है आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है। वैसे देखा जाए तो ट्रांसपेरेंट कलर भी है इस साइड पर, तो तीन कलर हो गए। अब ये रूट किस साइड जाता है आई डोंट नो, देखते हैं क्या है ये भाई। होम स्टे वगैरह के लिए दिखा रहा है कि कॉलोनी वगैरह में आप स्टे वगैरह कर सकते हो, ताबों के लिए नहीं है ना। One hour later. तो गाइस हम टावो आ चुके हैं, जस्ट हम लोग मॉनेस्ट्री के जस्ट सामने खड़े हुए हैं, सो हम लोग सोच रहे हैं टावो में स्टे वगैरह करते हैं, हाँ उसके बाद फिर हम लोगों का ये होगा कि मॉर्निंग में ढंग से प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग आगे के लिए प्रोसीड करेंगे। टावो के मेन मार्केट पे भी हम लोग बैठे हुए हैं और हमारा कुछ खाने के लिए हम लोग अभी आए थे, रूम वगैरह ढूंढने में इतना ज़्यादा परेशान हुए, इतना ज़्यादा रश है कि रूम मिलना मुश्किल था, और हम लोगों को जो उनका प्राइस था उस प्राइस में हम लोग नेगोशिएट भी नहीं कर सकते थे, इवन क्योंकि क्राउड इतना था कि मारामारी चल रही थी रूम के लिए। तो फाइनली रूम का किया तो वीडियो वगैरह बना नहीं पाए, नहीं तो वो सीन देखने लायक। उसके बाद हम लोग कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे भी मारामारी थी, मुझे अप्रोक्स 45 मिनट्स लगे कुछ खाने को लेने के लिए। वैसे फिलहाल हमारा चिटी पटेटो आ चुका है और हमारे भाई की चाय बाकी है, ताबो में तो ऑलरेडी अंदर फूड वगैरह का हमारा हो चुका है, और ताबो के फूड का लोकेशन ले दी, तो यहाँ पे छोटा सा मॉल टाइप का है वो पूरा, मतलब आपको एवरीथिंग मिल जाएगा ऑन MRP, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं है। तो चाउमीन वगैरह हो गया, हम लोग में कुछ स्टिंग रेड बुल्स वगैरह ले रहे हैं और रास्ते के लिए ट्रैवल के लिए। यहाँ पर एक बच्चा मिला है मुझे, बिल्कुल शेर की तरह लगता है ना, बब्बर शेर की तरह, अभी तुम्हारे लिए गया है वो बिस्किट देने, अरविंद गया है ला रहा है। और कभी भी आपको कोई स्ट्रीट डॉग्स वगैरह मिलता है तो प्लीज़ उनको कोई मीठा मत दो यार, उनके लिए हेल्प सही नहीं होता है बिल्कुल भी। और इवन आप लोगों ने भी सुना होगा काफ़ी लोग उनके बाल झड़ जाते हैं, पर बाल झड़ने के अकेला इशू नहीं है, काफ़ी इशूज़ होते हैं उनके हिसाब से हो सकते हैं, बट जब से मैंने इसको देखा पगले को तो फिर मैंने शेर याद आ गया, मतलब शहरी वाला शेर नहीं, शेर। वाओ बिल्कुल फियोना की तरह हरकत कर रहा है, या कर रही है जो भी है, ये ब्लैक वन बहुत क्यूट हरकत कर रही है, डॉग बिल्कुल अपना फूड ले जाएगी, लग रहा है कि थोड़ा सा काट लेगी। फाइनली स्टार्ट हुआ, ये वार्म अप राउंड था हमारे, तो बहुत ज़्यादा सुंदर पता है ना, जरा ये भी महंगा है, अच्छा बिस्किट है, इसकी MRP है 40 rupees। यहाँ अरे भैया तो मैं मीठा नहीं दे पाएंगे, सॉरी, नहीं पूछ मत, लाओ खा लो, खा लो, पापा की बात मानो, खा लो, अरे भैया। दोस्तों खाने पीने के बाद फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने रूम पर, तो होटल हमारा ये रहा, बहुत शानदार लग रहा है, मतलब एक तरह से मतलब ओल्ड स्टाइल वाला डिज़ाइन है पूरा, पूरा ऐसा लग रहा है पूरा मिट्टी टाइप से बना हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक फील हो रहा है। तो गाइस ताबो का फील ऐसा है कि रूम हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, इसकी भी हालत डाउन थी, मेरी भी हालत डाउन थी, मतलब मिल जाए बस, पैसे का बजट का टेंशन एक टाइम पे खत्म कर दिया था, नेगोशिएट वगैरह थोड़ा करने का मन करता है, एज ए इंडियन हम लोग जुगाड़ू बनते हैं, सोचते जितना सस्ता मिल जाए उतना अच्छा, सोना ही तो है, मिल गया ओवरऑल, ये सबसे बात तो अलग है। उसके बाद हम लोगों ने अपने लिए कुछ खाने वगैरह के लिए, एक बच्चा क्या ले सकता है वो सब हम लोगों ने लिया है, अरविंद भाई ने वाला फेस देखो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ क्या क्या लिया है। अरविंद भाई दुकान बोल रखी है क्या, आइए 10 के 2 10 के 2 दस के दो। आज दोस्तों बेसिकली हम लोगों ने 100 kilometers कवर किए हैं, और हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट है मम्मी वाला पॉइंट है जो उस पे जाना है। The next day. Hello guys, good morning from Tavo. Tavo से हम लोग बात कर रहे हैं, और भाई साहब बहुत पार जगह है, इसलिए मॉनेस्ट्री के बारे में जिस तरीके से सुना है और जिस तरीके से वीडियोस वगैरह देखा था बहुत ज्यादा औसम है। रूम के बाद एक काम करता हूँ, आपको रूम टूर देता हूँ, छोटा सा रूम है, बहुत शानदार लग रहा है, जिस तरीके से टेक्सचर दिया गया है, एक तरह से पुराने, जैसे पुराना घर नहीं होते थे,
मिट्टी घर अगर कभी आप लोगों ने गांव वगैरह में विजिट किया है, बेसिकली आप में से मेजोरिटी ऑफ पीपल्स ने विजिट किया होगा, पक्का गए होगा यार, मैं भी गया हूँ, ठीक है, हम लोग भी इंडिया से ही हैं। अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे बेस्ट रूम था ये वाला व्यू, देखो आप विंडो के पास से बड़ा शानदार व्यू है। सोचो अगर ब्रेकफास्ट आपका मॉर्निंग का ऐसा हो तो कैसा लगेगा आपको। इतने शानदार रूम को आप छोड़ने जा रहे हैं, छोटा सा गार्डन वगैरह भी था यहाँ पर, टाइम स्पेंड किया काफ़ी अच्छा लगा। अब लखनऊ जा रहे हैं अपनी बाइक। अरविंद भाई हाँ? आप बाइक निकालो, मैं चेकआउट करके आता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर दोस्तों, हम लोग मॉनेस्ट्री पर आ चुके हैं, मेन गेट पर। मगर उससे ज़्यादा मेरी बड़ी प्रायोरिटी ये है कि मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊँ, सबका पापा मैं, डॉगूस का पापा। खा लो खा लो खा लो। देखो भाई, मेरा कहना है अगर कुछ खिला नहीं सकते तो प्लीज़ मारो भी मत। मैंने एक डॉग को देखा तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लगा, उसके पैर में चोट थी, शायद किसी ने गाड़ी आड़ी चढ़ाई है कुछ, मेरे महारत ही ऐसा बोल सकते। कमेंट में वीडियो में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो भाई, मे भी शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो बहुत ज़्यादा सख्त हों, शायद मे भी दिल पिघल जाए ऐसा देख के, उनके लिए ऐसा रिकॉर्ड करना पड़ता है। हर कोई यही सोचेगा कि करने से क्या होगा, तो दुनिया तो चल गई। तो गाइस, ताबो की मॉनेस्ट्री ये रही सामने, और अरविंद ऑलरेडी अंदर जा चुका था क्योंकि मुझे फूड वगैरह देना था बच्चों को, और स्पेक्स पहनने के बाद इमोशंस ज़्यादा अच्छे से हाइड हो पाते हैं। सो ये शानदार लग रहा है यार, वर्थ है यार, वर्थ है। मतलब एक तरह से वो नहीं कहते फास्ट एंड फ्यूरियस ना बनो, भागते भागते पूरा सफ़र ख़त्म कर दो, उस पल को ना जियो जिस जगह जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, हर मोमेंट को जियो यार। कितना शानदार लग रहा है। मॉनेस्ट्री का व्यू काफ़ी ज़्यादा शानदार है, अंदर जाने का भी सोचा नहीं क्योंकि थोड़ी देर बैठ रहे थे। व्यू काफ़ी शानदार, अंदर भी अभी जाएंगे, बट उससे पहले हम लोग इस साइड जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अभी तक का सबसे बड़ा ये मैंने मिला है, और इनको हमेशा रोटेट अगर आपको करना है तो यहाँ के जो रीति रिवाज है तो वहाँ क्लॉक वाइज करना होता है, तो आप लोग इस मोशन में जाना है। पावर बहुत लगती है, मैंने इससे पहले ट्राई किया था, बहुत पावर लगती है इसको रोटेट करने में। दो तीन फोर भाई, यहाँ की लिफ्ट तो गोल्डन लिफ्ट लग रही देखने में। मॉनेस्ट्री के अंदर हूँ, जिस गेट के अंदर गया था मैं, और ट्री वगैरह देख रहा हूँ, शायद आर्टिफिशियल है। भाई आपके भाई ने ली थी 70 इंच की टीवी फाइनली, यहाँ पे देखो 75 इंच, ये तो उसका भी बाप निकली। दुनिया में कोई ना कोई आपका बाप निकलेगा सर, क्या बात है, कभी मत सोचना आप सबसे बड़े हो दुनिया। मॉनेस्ट्री के अंदर कोई मुझे जाते हुए दिख नहीं रहा है, तो जा रहा सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए लगता है, इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है। ताबो का भी वैसा ही ऊपर से है ना, नहीं ताबो का नहीं है, हम लोग यहाँ पे घूम तो रहे हैं, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, ऐसा फील हो रहा है मॉनेस्ट्री के अंदर दो चोर घुस गए हो। मॉनेस्ट्री फाइनली ओपन हो गई है, यहाँ पर थोड़ा सा लाउड होना भी ठीक नहीं है। किसी भी प्लेस को ना जब तक आप सच में देख नहीं लेते तब तक सही नहीं होता। अब यहाँ के डोर ओपन हुआ सारा, मतलब जितना टूरिज्म वाला पीपल था सारा अंदर आ गया, जो भी जनता थी हमारी यहाँ की। इस टेंपल को ओपन टाइम बहुत कम है, 5 मिनट्स बाद ही क्लोज हो जाएगा। अरविंद को अभी दोबारा लेके आया हूँ क्योंकि मुझे ये सामने का पोर्शन सही से लेना है, क्योंकि मैं लाउड नहीं था यहाँ पे, तो बच्चा लाउड होके बात कर रहा है तो मैं अनकम्फर्टेबल क्यों हो रहा हूँ। ये यहाँ के गुरु जी हैं जो सबसे पहले यहाँ बैठते थे, जिनको बहुत ज़्यादा माना जाता था, जो कि बहुत धर्म से बिलोंग करते सबके सब, तो इनकी रिस्पेक्ट में उस चेयर को वैसे ही के वैसे ही छोड़ दिया गया है। इनकी फ़ोटो रखी हुई है, अभी हम लोग दिखाएंगे आपको वहाँ जाके थोड़ा पास में। इनके बारे में बात कर रहा था मैं, इनके रिस्पेक्ट में किया गया। सो आई होप आप लोग समझोगे, रिस्पेक्ट करोगे और यहाँ के कल्चर को भी रिस्पेक्ट करोगे। अगर यहाँ आते हो सिर्फ घूमना पर, अकेला नहीं होता, ठीक है, रिस्पेक्ट करो कल्चर की, किसका भी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर इस मॉनेस्ट्री के बारे में बोलते हैं कि इंडिया की ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है जो अभी भी रनिंग में है। बहुत अच्छा लगा ऐसी जगह जाने को मिल रहा है जहाँ पर, मतलब इससे पहले मैं नॉर्मली कहीं विजिट नहीं कर सकते थे। और अगर स्पीति आ रहे हो, अब जो भी जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये स्पीति के लैंडमार्क्स है जहाँ पे मस्ट विजिट है, आपको वन टाइम तो करना चाहिए, भले ही आप उस वहाँ पर 1 से 2 घंटे के लिए विजिट करो, मगर आपका मस्ट है।
आपकी स्पीति राइड कंप्लीट हो जाएगी और हर पल को जियो। ऐसा नहीं है बाइक स्टार्ट किया चल दिया, कार स्टार्ट किया घूमे फ़ोटो लिए चल दिए, यार वो थोड़ा गंदा हो जाता है। गाइस मैं आपको वो केव दिखाने वाला हूँ जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह अपना पीसफुली मेडिटेट किया करते थे, और रही सारी केव्स बहुत ज़्यादा शानदार है यार, यहाँ पे तो जाना बनता है। मैंने जस्ट अभी देखा तो वो अभी थोड़ा सा काम वाम के चक्कर में दिमाग में वही रहा था, तो एक बार एक काम करते हैं वहाँ चल के देखते हैं और वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। जिस भी रूम में हम लोगों ने स्टे किया था वहीं पर हमने अपना पूरा लगेज रख दिया है, मैंने हाइड्रोजन बैकपैक भी रख दिया था, अपना टैंक बैग और एवरीथिंग, मतलब हमारा अरविंद भाई भी पूरा फ्री फ्री हो गया है। ये अच्छे पापा। चलो पूरा स्टेयर्स है केफ पे जाने के लिए, चलते हैं स्लोली स्लोली।